नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए न्यूमरोलॉजी, टैरो, एंजल हीलिंग, रेकी और तमाम रिचुअल्स से रिलेटेड वीडियोस। दिवाली का पर्व आने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के ऊपर। दीपावली पर हमें बहुत सारी, सबको पता है कि घर की क्लिनजिंग करनी है, उसे डीक्लटर करना है। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स बताऊंगी, जनरल चीज़ें हैं जो रेकी, सिंबल्स और क्रिस्टल से रिलेटेड कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो नॉन रेकी चैनल्स भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह के रिचुअल्स हैं जो रेकी चैनल्स भी उसे ही कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिस्टल्स के साथ। आपको चाहिए क्या क्या? अगर इनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें आपके घर में हो, कुछ चीज़ें ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है जितना है उसके हिसाब से एक एक रिचुअल हर एक चीज़ से रिलेटेड मैं दे रही हूँ। सिंपल से सिंपल चीज़ों को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप रेगी चैनल हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स का कलेक्शन आपके पास होगा। तो क्रिस्टल्स हमें क्या चाहिए? आपके पास क्रिस्टल्स हों, एरोमा ऑयल्स हों, कपूर हो, ऐसा डिस्पोजेबल, ऐसा डिफ्यूज़र लैम्प हो, सिंगिंग बोल हो, इस तरह की बेल हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको टेक्निक्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिस्टल के साथ। क्रिस्टल्स में अगर आपके पास एमेथिस्ट है, ब्लैक टर्मुलिन का रॉड स्ट्रोक है, स्टोन है, एक ब्लैक टर्मुलिन शेप्ड वाला है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड सिट्रीन, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर के बाहर आपको क्या करना है। घर के बाहर अगर आपके पास आप रॉक टर्मुलिन का एक रॉ क्रिस्टल रखते हैं तो वो आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लॉक करता है कि बाहर से किसी भी तरह का इविल इफेक्ट, किसी की नज़र, टोक, ऊपरी हवा आपके घर को छू तक नहीं पाएगी। तो एक ब्लैक टर्मुलिन का ऐसा पीस, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, घर के बाहर एंट्रेंस पे आप रखिए। अब बात करते हैं अंदर आके, आप घर के रूम में, आप डोर, मेन डोर में एंटर हो गए तो एक ऐसा फाइन फिल्टर्ड इस तरह का आपको ब्लैक टर्मुलिन लेना है जो आपको घर के एंट्रेंस में 2 से 4 फीट के बीच में कहीं पर भी रख देना है। ऑलरेडी जो घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं ये उसे अब्सॉर्ब करना शुरू करेगा। तो यहाँ हमने दो काम किए, एक जो बाहर से एनर्जी आने वाली है, नेगेटिव ब्लॉकेजेस, उसको ब्लॉक करेगा नेगेटिव एनर्जीज को। दूसरा, ऑलरेडी कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं तो ये वाला जो टर्मुलिन का पीस है ये उसकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता रहेगा। सेकेंड चीज पे हम आते हैं, दैट इज एमेथिस्ट, रॉ एमेथिस्ट। रॉ है, बहुत अच्छा है, हर एक के लिविंग रूम में एक रॉ एमेथिस्ट होना चाहिए जो ऑलरेडी घर में नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता रहता है और किसी भी तरह की पॉजिटिविटी को बढ़ाता रहता है। ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है, बच्चों के स्टडी टेबल पे है तो वैसे भी होना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ भी देता है, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करके पॉजिटिविटी को बैलेंस करता चला जाता है। तो एक एमेथिस्ट का रॉ पीस या कोई भी पिरामिड आपके पास होना चाहिए और उसे आप एक लिविंग रूम में रखेंगे। थर्ड थिंग, वाइट क्वार्ट्ज। वाइट क्वार्ट्ज ओवरऑल, वाइट क्वार्ट्ज को मैं हमेशा ही बोलती हूँ इट्स ऑल पर्पज स्टोन। आपके पास कुछ भी नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिविटी एंड हार्मनी के लिए दिवाली पे तो हम इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरह से हमारे घर की पूरी एनर्जी हार्मोनियस होती रहे, तो उसके लिए आप ये रखेंगे। थर्ड थिंग आप जो यूज़ करेंगे दैट इज सिट्रीन। सिट्रीन ओवरऑल आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, बच्चों के राइट डायरेक्शन में एनर्जी चैनलाइज होने लगेगी, ओवरऑल ये प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा और किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी ये ठीक करता चला जाएगा। और दिवाली पे अगर आप अपने घर के एंटी क्लॉकवाइज कॉर्नर चूज करके, तो सबसे पहले आपने टर्मुलिन रखा, सो जब आपने एक कॉर्नर पर टर्मुलिन रखा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेक्स्ट कॉर्नर पे आप एमेथिस्ट रखेंगे, उसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे नेक्स्ट कॉर्नर पे आप ये रखेंगे वाइट क्वार्ट्ज। देन आ जाएंगे लास्ट फोर्थ कॉर्नर एंटी क्लॉकवाइज चूज करते हुए, उसके बाद सिट्रीन रखेंगे। तो ये तो हुआ क्रिस्टल्स का प्लेसमेंट। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं, सबसे बहुत सिंपल सी रेमेडी है, सब लोगों के पास इस तरह के डिफ्यूजर लैम्प्स घर में होते हैं, आई थिंक यू आर एबल टू सी दिट इन द कैमरा, राइट? तो आपको कपूर लेना है, कपूर को
कुछ छोटे आप ऐसे ग्रैनुल्स छोटे छोटे पीसेस में रखेंगे और कुछ पार्ट को उसको आप क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद आपको इसको उस लैम्प पे डाल देना है। लैम्प में डालने के बाद उस लैम्प को ऑन कर देना है। आप देखेंगे 10 मिनट में पूरे घर में एक तो महकने लगेगा। तो कपूर के दो काम होते हैं, एक नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिविटी इन्हांस करता है। आप उस रूम में एंटर होंगे और वैसे भी वीनस से रिलेटेड है, लक्ष्मी पूजा वीनस से रिलेटेड है। शुक्र जिसको अपना इन्हांस करना है, वीनस क्या देता है? लग्जरी। तो दिवाली पे हम अपने घर में हमेशा नया फर्नीचर लाते हैं ना, पूरे घर का रेनोवेशन करते हैं। एक चीज़ अगर आप 21 दिन तक दिवाली के दिनों में आप इसे यूज़ करते रहेंगे, आप देखना अपने घर की पॉजिटिविटी कितनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट थिंग, एक सिंपल सा एक रिचुअल आपको क्या करना है, इवनिंग आवर्स में ये सब अरोमा एंड इसमें आप डालने के बाद, ऐसा अगर बेल आपके पास है तो मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस के लिए। आपको इस बेल को हल्के से ऐसे रिंग करना है। रिंग करने के बाद आपको हर कॉर्नर में जाकर, कैन यू सी द साउंड, जस्ट कैन यू हियर द साउंड, हर कॉर्नर में जाकर आपको ऐसे 5 to 10 rounds ऑफ पूरे घर में कहीं पर भी नेगेटिव ब्लॉकेज है तो वो अपने आप हटने लगेगा। और ये आपको चारों कॉर्नर्स पे करना है और ब्रह्म स्थान पे करना है, ब्रह्म स्थान को भूलना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, हो सकता है आपके पास बेल नहीं हो, ऐसे एक सिंगिंग बोल्स, अगर आप हीलर हैं या रेकी चैनल्स हैं तो आपके पास ये बोल्स होते हैं, इसकी आप साउंड सुनिएगा प्लीज। इसको आंख बंद करके हर कॉर्नर पे जाकर, आपको दोनों चीज़ें हैं तो दोनों के साथ भी कर सकते हैं। इवनिंग में 10-15 मिनट अगर आपने घर की इस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे घर में हार्मनी है। किसी भी तरह की कलह क्लेश, कुछ भी लड़ाई झगड़े सब होता है, वो धीरे 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 बंद होता चला जाएगा। एवरीबडी बी इज विल बी इन पीस एंड हार्मनी। यू विल बी एबल टू शेयर हेल्दी बैलेंस रिलेशनशिप विद ईच अदर इन योर फैमिली, राइट। अच्छा, एक और छोटा सा रिचुअल, इसमें क्या करना है आपको, इतना थोड़ा सा पानी लेना है और कोई भी एरोमा ऑयल आप ले सकते हैं, सैंडलवुड ऑयल ले सकते हैं, लेमन ग्रास, लेवेंडर, और उसके फ्यू ड्रॉप्स आपको इस तरह से पानी में डालने हैं। ये डालने के बाद आपको अपने किसी भी डिफ्यूज़र लैम्प के ऊपर इसे डाल देना है, और इवनिंग के आवर्स में, और मे बी इवनिंग आवर्स में आपको उसको आधा एक घंटा 2 घंटा आप जलने दीजिए। घर में बहुत अच्छी सी महक भी होगी और ओवरऑल पॉजिटिविटी, एम्पल ऑफ पॉजिटिविटी विल बी देयर, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 टाइम्स 20 टाइम्स पॉजिटिविटी विल बी देयर। आप घर में एंटर होंगे, बच्चे बड़े बूढ़े जिनको भी, वो घर में ही रहना चाहेंगे, कहीं और जाना नहीं चाहेंगे, बिकॉज घर में इतनी हार्मोनियस एनर्जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। रेकी चैनल्स ये भी कर सकते हैं, इस तरह से एक सिंबल प्लेट जिसमें जो भी सिंबल्स का आपका अट्यूनमेंट हुआ है उन सिंबल्स को आप एक फ्रेम में लेकर, आप एक पोस्टर में फ्रेम करवा लीजिए और उसके बाद आप उसे अपनी रेकी टेक्निक से एनर्जाइज कर लीजिए। जिन भी सिंबल से आपका अट्यूनमेंट हुआ है उन सिंबल्स की एनर्जीज को आप इन्हांस करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं वो एनर्जीज डे बाय डे मल्टीप्लाई होती रहें, और उन सिंबल्स की एनर्जीज को आप यूज़ करते रहेंगे फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, फॉर योर हीलिंग एनर्जीज, फॉर योर हेल्थ। तो ऐसी एक सिंबल प्लेट बनवाकर रेकी से एनर्जाइज करके आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देनी है। तो ये सब रिचुअल्स सब करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें से जो भी 2 या 3 भी आपके लिए पॉसिबल हैं उन्हें आप करते जाइए और फिर देखिए कि आपकी दिवाली एक्चुअल में कितनी शुभ होने वाली है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।